गृह मंत्रालय की तरफ से अपडेट आपके लिए ये है, राज्य सरकारों ने लॉकडाउन को लागू करने के लिए अपने प्रयास बढ़ा दिए हैं। जहां भी लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है वहां वे उचित कार्यवाही कर रहे हैं। आवश्यक खाद्य सामग्री जैसे गेहूं, चावल, दालें एवं दूध की आपूर्ति की स्थिति संतोषजनक है और इनकी उपलब्धता को निरंतर मॉनिटर किया जा रहा है। जैसा कि आप सबको पता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल 2020 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए 3 मई 2020 तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसके अनुपालन में कल गृह मंत्रालय द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर इन दिशा निर्देशों को ग्राउंड लेवल पर क्रियान्वित करवाने तथा आम जनता के लाभ के लिए इनके व्यापक प्रचार पर जोर दिया है। लॉकडाउन के अंतर्गत 3 मई 2020 तक संपूर्ण देश में हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्रियों का आवागमन बंद रहेगा। टैक्सी, ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा सहित कैब एग्रीगेटर्स की सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी। सभी शैक्षिक एवं संबंधित संस्थान बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम्नेजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा इसी प्रकार के स्थान बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और अन्य सभाओं के आयोजन पर रोक रहेगी। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, धार्मिक समागम जनता के लिए बंद रहेंगे। जो क्षेत्र हॉटस्पॉट्स या कंटेनमेंट जोन नहीं है, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ चुनिंदा गतिविधियों की अनुमति दी जा सकेगी, बशर्ते कि वहां पर मौजूदा दिशा निर्देशों एवं सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा हो। इन चुनिंदा गतिविधियों को अनुमति देने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कृषि और संबंधित गतिविधियां पूर्ण रूप से कार्यात्मक रहें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिकतम दक्षता से कार्य करे इत्यादि। गृह मंत्रालय द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर लोकहित में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए कुछ नियमों का सार्वजनिक स्थानों पर और कार्यस्थलों पर कड़ाई से अनुपालन करने पर जोर देना चाहूंगी। अनिवार्य रूप से सभी सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर फेस मास्क पहना जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, 5 से अधिक लोग सार्वजनिक स्थानों पर एकत्र ना हों, सार्वजनिक स्थानों पर थूके नहीं, शराब, गुटखा, तंबाकू की बिक्री को सख्ती से प्रतिबंधित किया जाए, कार्यस्थलों पर टेम्परेचर स्क्रीनिंग की जाए और सैनिटाइजर्स का प्रयोग किया जाए, बुजुर्ग और रोगग्रस्त व्यक्ति तथा छोटे बच्चों के माता पिता को घर से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु के प्रयोग को बढ़ावा और दिया जाए। आपसे अनुरोध है कि सभी राष्ट्रीय निर्देश और SOPs जो हमारे दिशा निर्देशों के साथ संलग्न हैं उनको ध्यान से पढ़ें, उनके बारे में जानकारी बढ़ाएं और उनका पूर्णतया पालन करें। धन्यवाद।